नमस्कार अम्बरीजनो, आप देख रहे हैं स्टडी पार्सल। आपसी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी BHU काउंसलिंग चल रहा है UG। ध्यान देना, यहाँ पे थर्ड राउंड फाइनली ऑफिशियल लिस्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अभी अपने प्रवेश, अपने एडमिशन की पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। तो अब आप जाके इस लिस्ट में अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने एडमिशन अलॉटमेंट को चेक कर सकते हो। प्रोसीजर ये है कि आपके पोर्टल पे एक आइकन आया होगा, कोर्स अलोकेशन शो कर रहा होगा। इफ यू वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन BHU, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। उसकी डेडलाइन 30 तक रखी गई है, इसी महीने के अंत तक रखी गई है, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आर्ट्स का है, एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट में AISC। ध्यान देना कि एक हिस्ट्री होता है जिसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, मिडावल पढ़ते हैं, एंशियंट भी पढ़ते हैं, लेकिन AISC में हम लोग ओनली एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उसके कल्चरल डेवलपमेंट, उसके पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसके रिलीजियस चीजों को, ये सब पढ़ते हैं जो कि एंशियंट हिस्ट्री में आता है, उसी को पढ़ते हैं। तो ये पूरा उसमें DAV और RMLA का दिया हुआ है, इधर मार्क्स दिया हुआ है। आप अपने स्कोर को देखो और अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जाके अपना पोर्टल चेक करो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, ये आर्ट्स का है, स्क्रॉल करके आप नीचे जाओ, ठीक है। आर्ट्स का ही चल रहा है अभी, क्योंकि तो सबसे ज्यादा सीटें आर्ट्स में ही होती हैं, इसलिए एडमिशन की पॉसिबिलिटी भी बहुत सारा होता है। एफिलेटेड कॉलेजेस भी होते हैं, बेसिकली आर्ट, सोशल, इन सब में सीटें सबसे ज्यादा होता है UG कोर्सेज में, इसीलिए यहाँ पे इनकी देखो ST वगैरह का भी यहाँ पे दिया है, SC ST का। तो कहने का मतलब ये है कि ये लिस्ट आप मेरे स्मार्ट बोर्ड पे तो देख लो, उसके बाद आप पता क्या करो, आप डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, यहाँ पे टेलीग्राम का ID मिलेगा, यानी सीधे PDF का लिंक मिल जाएगा। आप बस क्लिक करो, अपने आप रिडायरेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में, जहां पे ये PDF है, वहां से आप उसको डाउनलोड करो और अपना मार्क्स चेक करो कि हाँ आप कट ऑफ में आ रहे हो कि नहीं। फिर अपना पोर्टल चेक करो और पोर्टल पे आपका कोर्स अलोकेशन है तो आप पेमेंट कर दो। अभी बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन आने वाले होंगे, क्योंकि थोड़े दिन में आपका फिर फाइनली ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा, तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन में क्या क्या चीजें लेके आनी है, कब होना है, तमाम चीजें मैं ऑफिस लेवल पता करके आपको बता दूंगा। तो आप लोग क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे तो आपको हॉस्टल्स, आपके ये सब जो रिक्वायरमेंट होगी वो पाठशाला की टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा देगी, यानी रिकमेंड कर देगी कि हाँ यहाँ यहाँ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो उसके लिए अलग टीम है, बस आप ज्वाइन कर लो, वो लोग फिर फर्दर आपको खुद बताएंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है। जल्दी से जाके आप पहले लिंक चेक करो, अपना इस PDF को ओपन करो, अपना मार्क्स चेक करो और टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लो, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मुस्कुराते बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, जो बच्चे भी एडमिशन लेने जा रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जिनको एडमिशन अभी नहीं मिल रहा है, वो अभी आगे वाले राउंड्स में अपनी एडमिशन की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं। अभी मॉपअप राउंड बाकी है, तो तमाम चीजें हैं, अभी एडमिशन मिलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार करो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सीट भी पता करके बता सकूं फाइनली कि अभी कितना है, और ये बता सकूं कि एडमिशन की पॉसिबिलिटी अभी किस कितने नंबर कम तक हो सकता है। तो जितना वक्त दोगे तो मैं एनालिसिस करके बता पाऊंगा, ठीक है। तो अपने दोस्त को जल्दी से वीडियो शेयर कर दो कि जाओ भाई चेक करो, देखो एडमिशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, ठीक है। तो मुस्कुराते रहो, बहुत सी शुभकामनाएं हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक जो बड़ी चीज है जो कि यूट्यूब पे नहीं देखने को मिल रहा है, जो पूरे बच्चे कहीं ना कहीं परेशान है, वो ये है कि ये बस ऑनर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ रहे कि नहीं। ये ऑनर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी ये बस ऑनर्स अलॉटमेंट है, कोर होता है यहाँ पे। इसके साथ अभी आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं जिसको अलॉटमेंट अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए आप मेरे वीडियो जरूर देखो, क्योंकि मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा भेदभाव हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ इनजस्टिस भी हुआ है इस पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। ये भी मैं कमिंग वीडियो में डिस्कस करूंगा, और आपको बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये भी डिस्कस करूंगा। तो इसके लिए भी आप चैनल पे जुड़े रहना और वीडियोस देखते रहना, ठीक है। तो मुस्कुराते बस शुभकामनाएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज जल्दी से दोस्तों शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। अरे मान।